स्वीकार नहीं करना। टैंक के रास्ते पर चलकर मानव मात्र की सेवा की बात कर रहा है। होती है संगठन एक सिद्धांत है, संगठन एक परंपरा है, लेकिन जब भी इस भारत भूमि पर तिरंगे के सम्मान के लिए, संविधान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मरने की बात आई, लड़ने की बात आई, लोकतंत्र की परंपराओं को निभाने की बात आई, तब केसरी अफगाना पहनकर सब एक साथ निकलेंगे। मैं आज ये जो संख्या आई है, ये संख्या किसी नेता की है तो मैं के संचालक है, बस तुरंत मंच पर आकर संपर्क करें। लोकेश जी माइक के संचालक, तुरंत मंच पर आकर संपर्क करें। और जो छत पर खड़े हैं वो गिर नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखें, सावधानी रखें। अगले वक्ता के रूप में मैं भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा से निवेदन करूंगा कि वो गुजरात और श्री क्षत्रिय संघ इस विषय पर अपनी बात कहें और संक्षेप में कहें, आवंटित समय में कहें। आप गुजरात में पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक हैं और क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक हैं। पूजनीय और सम्माननीय मंच के महासागर में उपस्थित आप सब बहनों और भाइयों, प्रेस के मित्रों, 75 साल पहले पूज्य बंसी जी ने एक बीज बोया, नारायण सिंह जी ने, अभिमान सिंह जी ने, आपने पुनः बिहार में चले गए। 1962 में बाड़मेर जैसलमेर जैसे संसार के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 1967 में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया और अपने अनेक साथियों को रोजगार उपलब्ध करवाया। 1946 से 1954 तक और 1959 से 1969 तक उन्होंने संघ प्रमुख का दायित्व निभाया। 1969 से 1979 तक श्रद्धेय नारायण सिंह जी को संघ प्रमुख का दायित्व सौंपकर स्वयं ने संघ गुजरात में 1957 में अक्टूबर में क्षत्रिय संघ की स्थापना हुई। प्रजावत्सल और आजादी के बाद में जिन्होंने पहला अपना राज्य सरदार साहब को अर्पण किया था, कृष्ण कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में भावनगर बोर्डिंग में गांव में पूज्य बंसी जी पधारे थे और मैं भी उस कैंप पे था। तब से लेकर के गुजरात में हर जिले में संघ की शाखाएं कैंप चल रहे हैं। आज बालकों के साथ साथ बालिका का भी प्रतिपक्ष के उपनेता और राजस्थान में और राजस्थान की विधानसभा में बहुत ही वरिष्ठ नेता, 7 बार के विधायक, 3 बार के